मेरा नाम है इतना, आप सभी देख रहे हो आपकी के चैनल दीप्त रोशिल को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक के दो नए फीचर को लेके और उस फीचर पे आप लोगों का क्या डाउट है उसको लेके। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। दोस्तों आज का सबसे पहला फीचर अपडेट जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा वो है फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन को लेके। हाँ दोस्तों, फेसबुक वीडियो को मोनेटाइज करते ही जो ग्रीन डॉलर आता है उस ग्रीन डॉलर के ठीक बगल में एक नया सिंबल ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि एक सी के जैसा है, राउंड पे सी के जैसा है, वो थोड़ा सा इनविजिबल शो कर रहा है। इससे पहले ये सी वाला जो ऑप्शन है वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था, वहां पे डबल सी था जो कि कैप्शन के लिए होता है। मगर यहां पे अब सी वाला जो ऑप्शन है इसको लेके बहुत सारे क्रिएटर के मन में बहुत सारे डाउट आ रहा है, जबकि उनके वीडियो 100% ग्रीन डॉलर आया हुआ है, मोनेटाइज है, फिर भी बगल में ये सी देख के आप लोगों के मन में एक डाउट जो क्रिएट हो रहा है वो है क्या हमारा ये कंटेंट कॉपीराइट है इसीलिए ये सी शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो सी जो आपका शो हो रहा है वो अगर इनविजिबल दिख रहा है, मतलब हाइलाइटेड नहीं है, तो उस केस पे आपको कोई भी टेंशन करने वाला बात नहीं है। उस सिंबल का मतलब है नॉट ए रेफरेंस फाइल। इसका मतलब है अगर मान लो कि आपको आपके वीडियो के कंटेंट आईडी को फेसबुक पे डाल के अप्रूव करके रखने का ऑप्शन होता है जो कि राइट मैनेजर टूल एक्सेस मिलने पे ही आप कर सकते हो, अगर ऐसा है तो आप जैसे ही रेफरेंस फाइल अपलोड करके रखोगे और अपने वीडियो को अपने फेसबुक पेज पे डालोगे तो वो सी जो है वो विजिबल रहेगा। अगर कोई भी दूसरा बंदा अगर आपके इस कंटेंट को डालेगा तो उस केस पे उसको वो सी विजिबल होगा उसके पेज पे, और हो सकता है उसके ऊपर अगर आप क्लेम करोगे या फिर ऑटो क्लेम जाएगा, रेफरेंस फाइल रहेगा, तो वो पर्टिकुलर वीडियो का जो अर्निंग है वो शेयर हो जाएगा ओरिजिनल ओनर के साथ। मगर वो सी अगर इनविजिबल है, हाईलाइटेड नहीं है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वो सिर्फ सिंबल शो कर रहा है क्योंकि ये एक ऑप्शन रखा गया है। तो जो भी फाइल आप लोग दूसरे का तीसरे का डालोगे अपने पेज पे और वो डालने के बाद वो सी अगर विजिबल हो जाता है, हाइलाइटेड हो जाता है, तो उस केस पे हो सकता है उस पर्टिकुलर कंटेंट का जो अर्निंग होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो जो थर्ड पार्टी का कंटेंट आपने लेके डाले हो उसको चला जाए और वो सी विजिबल हो जाए उस केस पे। तो अगर आप एक क्रिएटर हो, खुद का कंटेंट डालते हो और बगल में सी इनविजिबल मतलब हाइलाइटेड नहीं है ऐसा दिखने के लिए मिलता है तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। दोस्तों अगला जो अपडेट है ये तो सबसे पॉपुलर अपडेट है आज के डेट पे, कल मैंने शायद आप लोगों को रिवील करके भी बताया था इसके ऊपर, जो कि फेसबुक शॉर्ट और फेसबुक रील्स को लेके मैंने डिस्कस किया था। और आज का जो ये अपडेट है ये भी इसी फीचर को लेके है। दोस्तों पहले फेसबुक जब टेस्टिंग कर रहा था तो फेसबुक ने पहले पेज के अंदर फेसबुक शॉर्ट वाला जो बटन है उसको विजिबल करवाया था और मैंने आप लोगों को अपडेट भी प्रोवाइड किया था। उसके बाद फेसबुक ने रील्स बटन को भी अपडेट किया और टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने उस अपडेट को भी आप लोगों तक पहुंचाया। मगर अब दिखा ये जा रहा है कि जिन पेज पे पहले शॉर्ट वाला ऑप्शन आ रहा था उसी शॉर्ट वाला ऑप्शन को अब रिप्लेस कर दिया है रील्स वाला बटन के साथ। तो यहाँ पे घुमा फिरा के कहूँ तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट बटन हो रील्स बटन हो दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, दोनों शॉर्ट वीडियो ही है। तो आपको सिर्फ उस बटन पे क्लिक करके अपना जो शॉर्ट वीडियो है उसको बनाना है और अपलोड करते रहना है पेज पे। यहां पे बहुत सारे नए दिक्कत या फिर कहूंगा डाउट आप लोगों के मन में क्रिएट हुआ है। सबसे पहला डाउट है कि सर जो रील्स बटन आया है उस पे अगर हम लोग रील्स बनाते हैं 30 सेकंड का तो वो पब्लिश तो हो जा रहा है मगर उसको शेयर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग शेयर नहीं करूंगा तो उस पे व्यूज नहीं आएगा ज्यादा, और व्यूज ज्यादा नहीं आएगा रीच एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगा और वीडियो कैसे वायरल होगा। ये आप लोगों का एक डाउट मन में आया है तो इसका सोल्यूशन है आप लोग शेयर के बारे में भूल जाओ।
फेसबुक पे अगर रील्स ऑप्शन दिखने के लिए मिल रहा है आपके पेज पे, तो आपका सिर्फ एज ए क्रिएटर काम है जितना ज्यादा से ज्यादा रील, एट्रैक्टिव एंगेजिंग रील आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करो और पेज पे डाल दो। शेयर करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक आपका कंटेंट को खुद प्रमोट करेगा। रील्स फीचर नया आया है फेसबुक पेज पे, और फेसबुक ही आपके कंटेंट को लोगों के आईबॉल पे लेके जाएगा। तो आपको इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन इस बात का आपको करना है कि कितना ज्यादा रील आप एक दिन में प्रोवाइड कर पाओगे प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म खुद आपको इसका इन रिटर्न वैल्यू देगा। और यहां पे एक चीज और भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रील्स जैसे ही मैं अपलोड करने जा रहा हूं तो वहां पे 30 सेकंड का ही मुझे करने के लिए मिल रहा है, उससे ज्यादा टाइम का करने के लिए नहीं दे रहा है। तो यहां पे मैं इसका आंसर करूंगा कि भले वो 10 सेकंड का हो, 15 सेकंड का हो, 30 सेकंड का हो, 60 सेकंड का हो, जितना भी आपको मिल रहा है इन टोटल अपलोड करने का रील्स फीचर के अंदर फेसबुक पेज पे, उतना ही आप अपलोड करो। ग्रो होना ज्यादा जरूरी है, वायरल होना पेज को ज्यादा जरूरी है, फॉलोअर बेस बनाना ज्यादा जरूरी है आपके नीच से जुड़े। तो आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस करो, बाद में उसी पेज पे जब पेज ग्रो हो जाएगा, फॉलोअर ज्यादा हो जाएगा, उसी पेज पे 3-4 मिनट के वीडियो डालोगे, लाइव करोगे, तो उन सारे वे में आप इंस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज करके पैसा कमा पाओगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ रील से पेज को पहले बूस्ट करो ऑर्गेनिकली जितना ज्यादा हो सके। आने वाले 2-1 महीने बहुत क्रूशियल है पेज को ग्रो करने के लिए, वो भी रील्स फीचर को यूज करके। होप गाइस आज के इस वीडियो से आप लोगों का सारा जो इस न्यू फीचर को लेके डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे फेसबुक से रिलेटेड सारे वीडियो अपडेट होता है डेली बेसिस पे। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पे प्रणाम करो दोस्तों।